हेलो एवरीवन, टुडे इज 26 जनवरी। आज एक सबसे लंबे राइड पे मैं निकल रहा हूँ जो कि होने वाला है एलोरा, विच इज़ इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। इट्स अराउंड 600 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फोक्स टू जस्ट ज्वाइन इन। बस वो स्टार्ट ही करने वाले हैं। सो हियर इज़ द बाइक दैट इज़ पार्क्ड। So here's the bike as it looks, all packed up and ready to roll. Hey. गुड मॉर्निंग सर। अभी और कौन बचा है? हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 3 3 6 हो गया ना। नेविगेशन है सोलापुर डालना। साला दूसरे का सुन के ना लगता है कि साला अपना नहीं आवाज कर रहा है। अभी चलते रहो जैसे जैसे, मैं अभी आगे हूँ ठीक है। मुझे रास्ता देखा हुआ है कांडी तक, उसके बाद में जहाँ पे भी आगे जो आगे पीछे करते रहेंगे अपना, बट आराम से चलना ठीक है। सो टोटल 6 बाइकर्स साथ में हैं एंड दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग एट इज 1250 GS। आई हैव द GSA। टू गाइज आर ऑन देयर निंजा 300, one is on Duke and one is on Triumph Street Triple. So far it's going smooth. We have covered almost like almost 20 kilometers so far. Abhi hum shahar ke andar hi hai. After a long time, I mean, I have taken a break of around 2-3 weeks since I last did any kind of ride. The last ride I was to Alampur, Hyderabad से almost 250 किलोमीटर दूर है। बट यह आज की जो जर्नी है वो अभी तक की सबसे लंबी होने वाली है। रात में almost कोई नहीं सोया, एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे दिमाग में चलता रहता है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि मैंने दोपहर में 2-3 घंटे का नींद ले लिया था और रात में almost 1 घंटे का। लेट्स सी हाउ इट गोज। आई मीन रास्ते में अगर थोड़ी बहुत भी लगता है कि हाँ रुक के हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, पावर नैप और समथिंग, अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट 99% जो आज जर्नी होने वाली है वो हाईवे पे ही रहने वाला है। अभी बस ऐसा ही रास्ता हमें थोड़े दूर तक मिलने वाला है। सो वन प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ इज विद द लाइट्स। लाइट्स की काफ़ी कमी है और इस बाइक में जो बाई डिफॉल्ट जो बाई जो लाइट्स हैं वो इनफ नहीं है। इतनी अच्छी बात है, चंद्रमा निकला हुआ है, काफ़ी खूबसूरत, पूर्णिमा है शायद आज। सो वी हैव नाउ टच डाउन द नेशनल हाईवे, पुणे 494, मुंबई 644, लेट्स गो। सो थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लिया हमने अभी, कॉफ़ी ब्रेक, फीलिंग फ्रेश नाउ। गुड मॉर्निंग गाइज,
ऑलमोस्ट हमने 186-187 किलोमीटर्स कवर कर लिया अभी तक। टाइम अभी हुआ है 7:12, अच्छा डिस्टेंस कवर किया हमने। रात में मुझे बस प्रॉब्लम लाइट की हो रही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक जगह मैंने बस एक मिनट के लिए बाइक रोकी थी ताकि चेक कर सकूं कि सब कुछ सही है कि नहीं, और इतने देर में एक गाड़ी वाला पीछे आ करके उसने लगा दिया। आई डोंट नो, मुझे लगा, मुझे कुछ थोड़ा फिशी लग रहा था। अब आई डोंट नो, वो हो सकता है क्यूरियोसिटी होगी उसकी या जो भी रीज़न रहा होगा। तो जब भी आप ऑलमोस्ट आप अकेले चल रहे हो और आपने एक खाली जगह पे रोकी है बाइक और सडनली कोई आता है, चाहे वो उसका इंटेंशन सही ही हो या ख़राब हो, लेकिन रात के टाइम पे आपको पता नहीं चल सकता है कि वो क्या है। सोलापुर के लिए ऑलमोस्ट 106 किलोमीटर दिखा रहा है, और सोलापुर के बाद आई थिंक 200-250 किलोमीटर और जाना होगा हमें औरंगाबाद के लिए। सो फार द जर्नी इज गोइंग वेरी स्मूथ। काफ़ी लोगों में क्यूरियोसिटी हो जाती है बाइक्स देख करके, और ख़ासकर जब 4-5 बाइक्स एक साथ लगी हों। एनीवे आई एम जस्ट एंजॉइंग द राइड। हाँ, काफ़ी ठंड हो गई थी, अभी भी है थोड़ी ठंड। 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता तो रहा है, लेकिन बीच में 16 डिग्री हुआ था और उस समय काफ़ी चिली हो गया था सिचुएशन। तो मुझे अब हीटेड हैंड क्रिप्स जो है उसको ऑन करना पड़ा, अभी भी आई बिलीव ऑन ही है। आई थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ अ बॉर्डर क्रॉसिंग। फ्यूल ब्रेक। अरे ब्रेकफास्ट लेके आए हो क्या? नहीं, हम लोग तो लेकर आए। ब्रेकफास्ट लाए हो? अरे मैं तो लेकर आया, यहीं पे रुक के कर लेते ना। चलो आगे चलते हैं। सो फार वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 267 किलोमीटर्स। अभी हम महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र में एंटर हो गया है हमारा। सोलापुर बस पहुंचने वाले हैं, 23-27 किलोमीटर और दिखा रहा है। एवरीथिंग इज गुड, द वेदर इज गुड, द बाइक इज परफॉर्मिंग वेल, एंड मजे की बात ये है कि कोई थकावट नहीं है आफ्टर ऑलमोस्ट राइडिंग फॉर 267 किलोमीटर्स, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑलमोस्ट इतने ही और किलोमीटर्स अभी हम और जाने हैं औरंगाबाद के लिए, बट अभी हम सोलापुर के आसपास ब्रेकफास्ट के लिए जरूर रुकने वाले हैं। सो अभी जस्ट हमने ब्रेक लिया आधे घंटे का, उस हमने ब्रेकफास्ट किया अपना, और अब हम तो वी आर ऑन द नेशनल हाईवे 361 विच लीड्स टू टूवर्ड्स औरंगाबाद। नाउ औरंगाबाद इज अराउंड 290 किलोमीटर्स अवे। इनफैक्ट आई हैव सेट द लोकेशन ऑफ माई होटल, so it says 291 किलोमीटर्स। आई बिलीव वैसे तो 4-5 घंटे का बता रहा है ड्राइविंग आवर्स, बट अगर सिचुएशन और सब सर्कमस्टांसेस सही रहे आई थिंक वी कैन कवर दैट एंड विद इन 4 आवर्स।
होपफुली यही है कि होटल में पहुंच के ही लंच करेंगे, क्योंकि अगर बीच में रुक गए तो काफ़ी गर्मी हो जाएगी। मतलब अजीब सा ही है कि सुबह में ठंड थी और अभी गर्मी हो रही है हल्की, हालांकि टेम्परेचर अभी 25 डिग्री है, बट रुकने के बाद गर्मी ज़्यादा लगती है। सो फार द जर्नी इज गोइंग स्मूथ और आई होप कि ऐसा ही रहे। More to go and time हुआ है अभी 12:40। आराम से हम क्रूज कर रहे हैं एक अच्छे स्पीड को मेंटेन करते हुए, 100-120 के आसपास हम क्रूज कर रहे हैं। सो जब हम चले थे, जब हम हैदराबाद से चले थे, उस वक्त भी ETA हमको 2:30 का दिखा रहा था, अभी का ETA 2:05 है, बट हमने ऑलमोस्ट 6-5 ब्रेक्स तो जरूर लिए होंगे, जिसमें एक ब्रेकफास्ट का ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया था, बाकी ब्रेक्स 10-15-20 मिनट के। सो हो गया, आई होप 1:45 तक हमें पहुंच जाना चाहिए। 519 किलोमीटर्स I have completed and this is one of the longest ride I have done so far. 1 hour 20 minutes more to reach the hotel and almost 74 kilometers more to go. Feel like you were never really here, yet it's time to leave.